सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज राघव व्यास एंड वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में बात होने वाली है अपाचे के 50,000 किलोमीटर चलने के बाद की। तो मेरा एक्सपीरियंस क्या है, तो ये गाड़ी है मेरी काफी लंबे समय से मेरी जीवन साथी रही है और 4 साल होने वाले हैं मैं इसको चलाते हुए। तो मेरे कुछ गुड और बैड एक्सपीरियंसेस मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर करे थे। तो आपकी जो मेरे को बहुत भारी मात्रा में रिक्वेस्ट आ रही थी कि भैया इस गाड़ी के जो है 50,000 किलोमीटर यानी कि बुढ़ापे के बारे में वीडियो बनाओ, तो ये बिल्कुल धन्नो अभी जवान है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। और कुछ छोटी मोटी तकलीफें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और गाड़ी मैंने आपको पहले ही बताया भाई, इंजन टॉर्क पावर वॉट एवर यू वॉन्ट ऑलरेडी जो है मैंने वीडियो डाल रखी। तो अगर आपको ओनरशिप एक्सपीरियंस के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप पहले वाली वीडियो देख सकते हैं, वरना आप जो मेरे इस वीडियो में बने रहें। तो ये गाड़ी है 160 सीसी की और इस सेगमेंट में इसके मुकाबले कोई गाड़ी नहीं है, और है तो मेरे पास नहीं भैया, मेरे पास यही, तो मैं इसी का बताऊंगा ना। इस सेगमेंट में 160 सीसी बाइक जो है द बेस्ट, यू नो, एक हाइब्रिड मिक्सचर आपको मिलता है। आप एक हाईवे क्रूजिंग करना चाहते हैं, ऑफ रोड करना चाहते हैं, एडवेंचर टूरर ट्रिप आप इससे करना चाहते हैं, एक कॉलेज में जाके जो है थोड़ा सा टशन आप अगर लगाना मारना चाहते हैं, तो मार्केट में जो है अभी ये बापू है। इस गाड़ी के मुकाबले कोई गाड़ी नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये मेरे पास है इसलिए मैं जो है इसको बड़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, फिर TVS कंपनी ने मेरे को चेक फाड़ के दिया है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये गाड़ी वाकई में अच्छी है, चलने में अच्छी है, इसलिए मैं इतनी डेंगे हाँक रहा हूँ। सो मैंने जो मेजर इश्यूज फेस करें आफ्टर 50,000 किलोमीटर, उसमें से राइट साइड का सस्पेंशन जो है वो लीकेजिंग स्टार्ट हो गई है, जो कि नॉर्मल बात है भाई, 50,000 किलोमीटर चलने के बाद में भी अगर गाड़ी में कोई खर्चा ना हो तो गाड़ी घड़ी मतलब नहीं होना चाहिए, बट राइट साइड लीक है, ठीक है। सेकेंड अगर मैं बात करूँ तो भैया जो रबर है, ये जो प्लास्टिक है, हार्ड प्लास्टिक जो भी इसमें यूज़ हुआ था वो फेड आउट हो गया है और मतलब थोड़ा सा भद्दा होने लग गया, तो आप इसको जो चेंज करवा सकते हैं। द सेकेंड मेजर प्रॉब्लम, जो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, समय के साथ जो है बदलाव आते हैं, ठीक है, मेरे में भी आए हैं तो इसमें भी आएंगे बिल्कुल। बाकी फ्रंट साइड से इसमें और कुछ भी इशू नहीं था, नहीं एक इशू और था, इसका ABS जो है भैया मोटर के अंदर से आवाज़ आती है, और जब भी मैं कंपनी में जाता हूँ वो बोलते हैं भैया हमारा इंजीनियर आएगा तब हम बता पाएंगे, तो अभी तक इंजीनियर आया नहीं, और ऐसे करते करते मेरे को 4 साल हो गए, अब चल रही है क्या करें। सो अगर मैं एक बिगेस्ट इश्यू की बात करूं तो भाई गाड़ी के इंजन के अंदर कुछ भी काम नहीं हुआ था, और अभी कुछ समय में मैंने देखा है कि इसके जो हेड है, ब्लॉक जो है पिस्टन वाला, जिसमें पिस्टन ऊपर नीचे होता ना, उसमें से ऑयल लीकेज हो रहा है। द सेकेंड बिगेस्ट प्रॉब्लम इन दिस बाइक, जो कि अभी मैंने कंपनी में चेक नहीं करवाया है, बट जब मैं करवाऊँगा तो क्या पता वो बिल फाड़ेंगे कि ऐसे ही कुछ करके दे देंगे, ठीक है। अब थर्ड जो है प्रॉब्लम इस गाड़ी के अंदर मेरे को आई है, और वो है भैया चेन पॉकेट। यार दूसरी बार चेन पॉकेट इसमें चेंज करवाने जा रहा हूँ, और अभी इतनी खड़खड़ 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 आवाज़ आ रही है कि मतलब सर ही दर्द करने लग जाता है। अगर आप फास्ट नहीं चलाओगे ना, जैसे आप गाड़ी धीरे करोगे इसमें आवाज़ आने लग जाती है। बाकी इंजन वाइज सॉलिड है, प्रॉपर ट्यून्ड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आप इसको क्रूज करो चाहे आप जो है इसको स्लो RPM पे। लो एंड टॉर्क इसका प्रॉपर है, अभी भी वही सेम ट्यूनिंग इस इंजन की है, तो भाई इंजन तो एकदम चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस दे रहा है। पीछे आगे मतलब आगे मैंने मिसलिन का टायर लगवा रखा है, और पीछे जो है अपोलो वही नॉर्मल नाइलॉन टायर लगवा रखे हैं। तो अभी मेरे को ये दूसरी बार जो है जोड़ा चेंज होने वाला है, अभी इसको जो उतार के खेलना पड़ेगा डंडे से, बाकी इसका कोई काम नहीं है। तो ओवरऑल मैं बात करूँ तो मेरे को कोई भी मेजर इश्यूज नहीं दिखे हैं। हाँ, कुछ प्लास्टिक आइटम में से रेटलिंग नॉइज आ रही है, बाइक इस गाड़ी में और कोई भी तकलीफ नहीं है। अगर मैं इसके मीटर की बात करूँ, जो कि डिजिटल कंसोल है, उसके अंदर साइड का जो बटन होता है ना, ऐसे क्लिक 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 अपन करते हैं, तो वो जाम हो गए हैं दोनों वाले। बाकी और मेरे को इस गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो इस गाड़ी को अब मैं ट्रांसफॉर्म करूँगा एक टूरर बाइक के अंदर, और क्योंकि ये 5,500 किलोमीटर ऑलमोस्ट चल चुकी है और 4 साल हो चुके हैं, 4 साल बेमिसाल, एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आऊँगा, इसको मॉडिफाई करूँगा और वो प्रॉपर वीडियो डालूंगा। बट उससे पहले आप इस वीडियो को ज़रूर प्यार दिखाइए, लव यू ऑल, बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके
जाना, वरना जाना, कोई दिक्कत नहीं। बाय।